दोस्तों नादर से शहरियों का डेटा चोरी होने के बड़े स्कैंडल की तहकीकात में मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT ने 27 लाख पाकिस्तानियों का डेटा चोरी होने की तस्दीक कर दी है। जराए ने बताया कि मुश्तरका तहकीकाती टीम ने नादरा डेटा लीक स्कैंडल पर तहकीकात रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है और ये रिपोर्ट पाकिस्तान के वजारत दाखिला में जमा करा दी, जिस पर वजारत दाखिला में खबर जारी है। दोस्तों नादर से शहरियों का डेटा 2019 से 2023 के दौरान चोरी किया गया और डेटा लीक स्कैंडल में मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलविस पाए गए। इसके अलावा JIT का कहना है कि ये डेटा अर्जेंटाइन और रोमानिया में फरोख्त होने के शवाहिद भी मिले हैं। दोस्तों डेटा ब्रीच क्या होता है? डेटा की खिलाफ वर्जी सिक्योरिटी का कोई भी वाकया जिसमें गैर मजाज फरीक हिसास या खुफिया मालूमात तक रसाई हासिल करते हैं, बशमूल जाती डेटा यानी सोशल सिक्योरिटी नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या हेल्थ केयर डेटा या कारपोरेट डेटा या जैसे कि कस्टमर डेटा रिकॉर्ड या मालियाती मालूमात। इस वजह से हम साइबर सिक्योरिटी की अहमियत उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि आप डिजिटल दुनिया में महफूज हो। सिर्फ यही नहीं बल्कि साइबर सिक्योरिटी सीखकर आप अपना करियर भी शुरू कर सकते हैं। आजकल हर इदारे और हर कंपनी को साइबर सिक्योरिटी की जरूरत होती है ताकि उस कंपनी के दस्तावेजात, मालूमात वगैरह चोरी न हो और उसे डिजिटल चोरों से बचाना साइबर सिक्योरिटी का काम होता है। हमारे पश्तो और उर्दू में मुफ्त कोर्सेज मौजूद है, अभी हमारे वेबसाइट पर जाकर फ्री में एनरोल करें।